YouTube, कोई भी इंसान YouTube पे चैनल क्यों बनाता है? नहीं नहीं बताओ क्यों बनाता है? मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मुझे थोड़ी पता है। देखो बहुत प्रकार के लोग होते हैं धरती में, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेमस होना है, और कुछ लोग तो ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मैं वादा करती हूँ गलती से चैनल बना देते हैं। पर YouTube पे कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो YouTube को एज ए करियर के रूप में देखते हैं, उनका ये पैसन है। जैसे कि उनमें से एक है फायर आइस गेमिंग, यानी कि मैं एक छप्पड़ मार दूं। मुझे मजा आता है वीडियोस बनाने में, व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं एंड उनको मजा आता है। बट क्या होगा अगर इसी मजे मजे के बीच में कोई आके हमारा चैनल हैक कर ले? पूरे 3-4 साल के मेहनत को अपने से दूर जाता हुआ देख के कैसा लगेगा एक इंसान को? दुख होगा, डिप्रेशन होगा, या फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। पर अगर यहीं पे पता चले कि जो हैकर है जिसने चैनल को हैक किया है वो और कोई नहीं हमारा दोस्त है, ये भगवान क्या जुल्म है। पर क्या होगा वो हैकर यानी कि दोस्त हमें ब्लैकमेल करे और कहे पैसे दे वरना चैनल डिलीट। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था जब हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे और चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। बट एक दिन अचानक से मैं मॉर्निंग में उठा और मेरे को 2-4 कमेंट आने लगे कि भाई क्या आपका चैनल हैक हो गया, ऐसा मेरे को कमेंट आने लगे। तो मैंने उनको इग्नोर किया, बट फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज और मेरे एक दो दोस्तों का कॉल आने लगा कि भाई तेरे चैनल को क्या हो गया, वहाँ पे कोई और लाइव स्ट्रीम कर रहा है और चैनल का नेम कुछ चेंज हो गया था और कुछ अंग्रेज नाम रख दिया गया था, अमेरिका का दलाल बहन। मैंने YT स्टूडियो खोला और मैंने देखा कि मेरे चैनल का एक्सेस मेरे पास नहीं था, मेरे को वहाँ पे दोबारा से पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा था। और जब मैं पासवर्ड डालने के लिए गया, पासवर्ड 5-6 घंटे पहले चेंज हो चुका है, मतलब चैनल हैक रात को ही हुआ था। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। यार मैं इतना ज्यादा सैड था ना, मेरे आंखों से लिटरली आंसू निकल रहा था। मम्मी पापा आए, वो लोग देख के वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए एंड उन लोगों ने पूछा क्या हुआ। मैंने बता दिया सारा कुछ, किस तरह से चैनल हैक हो चुका है, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, चैनल था जो कुछ था उसका एक्सेस मेरे पास अब नहीं रहा, किसी और के पास चला गया, हैकर ने हैक कर लिया। तो मम्मी पापा बोले कि ठीक है जो हुआ वो हो चुका है, तो अब रोके कोई फायदा है नहीं, अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब ऐसा ही होता है। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, वो जो सिचुएशन था ना वो मैं इमेजिन कर रहा हूं तो मुझे अभी रोना आ रहा है यार, मैं कैसे बताऊं। फिर मैंने मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी यूट्यूबर थे कॉन्टेक्ट में, उनको कॉन्टेक्ट किया, उनको मैसेज किया एंड उनको बताया कि चैनल हैक हो चुका है। तो उनमें से कुछ ज्ञानी बाबा थे जिन्होंने मुझे बताया कि चैनल हैक होता है, बहुतों का हुआ है, बट चैनल वापस आ जाता है। तो ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बट फिर भी यार चैनल अब अपने हाथ में नहीं है, चैनल जा चुका है, तो डर तो है। फिर हमने YouTube टीम से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई किया, मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया कि YouTube टीम हमारा जो चैनल है वो हैक हो चुका, भैया दिला दो यार। ट्विटर के ट्वीट का रिप्लाई YouTube 2-3 दिनों में करता है। रात को भी अच्छे से नींद नहीं आई एंड नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठा, मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया हुआ था, अंग्रेजी में था। वो कहना चाह रहा था कि मैंने तुम्हारा चैनल हैक किया है और अगर तुम चाहते हो अपना चैनल वापस लेना तो मैं जो जो कहता हूँ ऐसा ऐसा करो। मैंने फिर उसको कहा कि हाउ, अंग्रेजी नहीं, मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा चैनल तुम्हारे पास है। भाई लिटरली उसने मेरे चैनल का जो YT स्टूडियो का डैशबोर्ड होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट भेजा। क्या बात कर रहे हैं बाबा, मेरा चैनल है उसके पास, उसका स्क्रीनशॉट भेजा। और भाई उससे मेरे को बिल्कुल 100% यकीन हो गया कि मेरा चैनल उसके पास ही है। मेरा तो मन कर रहा था इतनी गालियां दूं उसको, इतनी गालियां दूं, बट चैनल तो उसके पास है तो उससे लेना तो पड़ेगा। गाली देने से हमारे हैकर वाले भैया गुस्सा हो गए तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। बात तो सही है। फिर मैंने उससे बहुत बात करी, भाई प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। उससे दोस्ती करने की नाकाम कोशिश करी, बहुत अच्छे से बात कर रहा था मैं, इतने अच्छे से, मैंने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड भी तो नहीं है मेरी, किसी से मैंने इतने अच्छे से बात नहीं किया यार, बट उससे मैंने इतना रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरा चैनल वापस दे दो प्लीज, बहुत गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे नंगा जन्म दिए, मैं बिना कपड़ों के आया था, चप्पल नहीं थे पैरों में, ऐसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बट वो नहीं माना। एंड लास्ट में वो बंदा कहता है तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो मैं तुम्हारा चैनल वापस कर दूंगा। भाई मैं कह रहा हूँ यार इतना सस्ता है करे 10,000 में चैनल वापस कर रहा है, तो फिर मैं देने के लिए राजी हो गया। बट फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि 10,000 में चैनल वापस करेगा इसकी क्या गारंटी, वो पैसे लेके भाग भी तो सकता है। मस्त प्लान है। मैंने उससे और बात करी, भाई थोड़ा कम कर लो यार, प्लीज दे दो मेरा चैनल वापस, पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी नहीं आया
अब तक, प्लीज यार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया बहुत ज्यादा। फिर वो 10,000 से बार्गेनिंग करते 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 1,000 पे आया। भाई मैं बोल रहा हूँ इतना सस्ता है कर 1,000, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। फिर मैं उसको 1,000 रुपए ट्रांसफर करने ही वाला था, बट मैंने उसको बोला कि एक और स्क्रीनशॉट भेजो कि मेरा चैनल तुम्हारे पास है। उसने भाई एक स्क्रीनशॉट भेजा और स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा मिस्टेक था, वो जो चैनल का लोगो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया था उसने। मैं समझ गया ये हैकर नहीं है, ये फोटोशॉप करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई ये तो फोटोशॉप वाला, ये तो रियल फोटो है ही नहीं। उसने कहा ये रियल है और तुम्हें तुम्हारा चैनल चाहिए तो इस पे ट्रांसफर करो पैसे, वरना बाय। ठीक है भाई, ओके बाय, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। Okay. और बाय बोल के वो ऑफलाइन चला गया। मैंने उसको बहुत मैसेज किया बट वो ऑफलाइन चला गया। अगले दिन वो बंदा फिर आता है ऑनलाइन एंड कहता है कि भाई पैसे ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा भाई, तुम्हारे पास मेरा चैनल है ही नहीं। फिर वो बंदा धीरे धीरे इंग्लिश से हिंदी में आने लगा, वो मेरे से हिंदी में बात करने लगा। और फिर मैंने उसको कॉल लगाया, कॉल पे बात नहीं कर रहा बंदा। अरे सुधरो रे अभी तो। फिर आखिरकार उसने मेरा कॉल रिसीव किया और मैंने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम अगर है तुम्हारे पास चैनल तो प्लीज दे दो, और अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हो मेरे जज्बातों के साथ, मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो तुम। तो बंदा भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मेरे से अच्छे से बात करने लगा यार। उसने अपनी पूरी कहानी बताई। वो जो बंदा था ना उसने मेरे से मतलब हमारे चैनल पे कुछ अपने इंस्टाग्राम के टूर्नामेंट का प्रमोशन करवाया था और मैंने किया भी था बट उससे उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती यार। तो इसलिए वो मुझसे 1,000 रुपए अपने वापस लेना चाहता था। भाई ऐसे बोलता मैं ऐसे दे देता, बट ऐसा क्यों किया यार तूने। सॉरी वो 1,000 नहीं था, आई थिंक वो 3,000 था। फिर मैंने उसको बाय बाय बोल दिया एंड उसने भी मेरे को सॉरी बोला। भाई बंदे ने सॉरी बोला मेरे को एंड फिर वहां पे बात खत्म हो गई एंड यूट्यूब का जो चैनल था अपना वो यूट्यूब टीम से बात बात करके अपना चैनल अपने को वापस मिल गया। एंड फिर फायरआइस गेमिंग ने यूट्यूब पे जो टिप्स एंड ट्रिक्स से आग लगा दी, भाई क्या बताऊ मैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा चैनल भी वापस आ गया और मेरे यूट्यूब का पेमेंट भी आ गया तो मेरे को ना थोड़े उस बंदे के ऊपर दया आया और मैंने उसको कहा भाई तुम्हारे 3,000 का वो हुआ था ना लॉस, तो मैं तुम्हें 5,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपना फोन पे या पेटीएम दो। तो भाई बंदे ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए एंड मतलब बहुत अच्छे से बात करने लगा। तो मैं भी उससे अच्छे से बात करने लगा एंड फिर हम गेम पे आए, साथ में गेम खेलने लगे एंड गेम खेलते खेलते अच्छी दोस्ती हुई, अच्छी दोस्ती से बहुत अच्छी दोस्ती हुई एंड अब वो लगभग मेरा बेस्ट फ्रेंड टाइप है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसका नाम है राणा, आप लोगों में से बहुत लोग उसे जानते होंगे क्योंकि वो बहुत पहले से हमारे साथ खेल रहा है, बहुत सारी वीडियोस में भी है। तो अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप राणा को तो जरूर जानते होंगे। लेकिन पता है बंदा ना अभी भी बहुत बड़ा स्कैमर है यार। एक दिन मुझे कॉल करता है और कहता है कि भाई मैं ना पेट्रोल पंप में हूँ और मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है, भाई 200 रुपए ट्रांसफर कर दे। और पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आती, भाई वो घर में था बंदा और वो बोल रहा है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं बताओ भाई कैसे कैसे स्कैमर्स है, वैसे दोस्त होते ही है स्कैमर। आप लोग कमेंट करके बता रहे कि आपके दोस्त क्या इतने बड़े स्कैमर तो नहीं होंगे यार। कहाँ चैनल हैक, भाई मैं तो उतना सोच भी नहीं सकता। किसी को फेक अकाउंट बना के उसको मैसेज करके मैंने तुम्हारा चैनल हैक किया है, भाई असंभव, इतना दिमाग आता कहाँ से है यार। खैर जो भी हो, अब स्कैमर हैकर से लेके बेस्ट फ्रेंड तक का ये जो सफर था बहुत ही अच्छा था एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ रैंडमली गेम में मिले हो एंड वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया हो। प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको आज का ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आया। चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.